नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के 38 जिलों में से 31 जिले में 50 से कम मिले कोरोना के मरीज। बिहार में ब्लैक फंगस के 16 नए मरीजों की हुई पुष्टि। बिहार में अब डॉक्टर पति पत्नी को आस पास मिल सकती है पोस्टिंग। जीतन राम मांझी ने छात्राओं को मुफ्त में उच्च शिक्षा देने की उठाई मांग। देश भर में थमने लगी है कोरोना की रफ्तार। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में ब्लैक फंगस के 16 नए मरीजों की हुई पुष्टि। सूबे बिहार में ब्लैक फंगस का कहर भी जारी है। इस संक्रमित बीमारी के 16 नए मरीजों की पुष्टि बुधवार को हुई है, जबकि 2 मरीजों की इस बीमारी ने जान ली है। जानकारी के मुताबिक ये 2 मरीज IGIMS में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि पटना एम्स के OPD में ब्लैक फंगस के 32 संक्रमित आए, जिसमें से 7 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि बाकी मरीजों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। एम्स के फंगस वार्ड में 8 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है, जिसके बाद वहां कुल मरीजों की संख्या 98 हो गई है। इनमें से 35 मरीज कोरोना पॉजिटिव भी हैं। वहीं PMCH में बुधवार को 5 नए मरीजों के भर्ती होने के साथ ही वहां मरीजों की संख्या अभी 24 हो गई है, जबकि पटना IGIMS में फंगस के कुल मरीजों की संख्या अभी 111 है। राजधानी पटना में हफ्ते भर बाद आज लगी 18 प्लस वालों को वैक्सीन। पटना में आज 8 दिनों के बाद 18 से 44 की उम्र वालों को कोरोना की वैक्सीन लगाए गए हैं। दरअसल बुधवार देर शाम वैक्सीन की 1.5 लाख डोज राजधानी पटना पहुंची है। इस वर्ग वाले लोगों के लिए वैक्सीन की खेप मौजूद नहीं होने के कारण 26 मई से ही वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर SP विनायक ने बताया कि 18 से 44 वर्ष तक के लिए 15,000 वायल मिले हैं, जिसके बाद बुधवार शाम से ही स्लॉट बुक होने लगे थे और इस हिसाब से अगले 5-6 दिनों तक वैक्सीनेशन का काम बिना रुकावट के जारी रहेगा। इसके लिए पटना के 59 केंद्रों पर पहले की तरह ही टीकाकरण होगा। वहीं आज खेप आने के बाद सभी टीका केंद्रों पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी केंद्र पर तैनात दिखे। बताते चले कि अभी तक पटना जिले में 18 से 44 वर्ष के 1,28,937 युवाओं को पहली डोज दी जा चुकी है। आपको यह भी बता दें कि बुजुर्गों के लिए टीकाकरण का काम पहले की तरह ही चल रहा है। बुजुर्गों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टीका एक्सप्रेस से दूसरी डोज दी जा रही है। अक्षरा सिंह को लेकर अश्लील गाना गाने वाले सिंगर पर दर्ज हुआ FIR। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट जोड़ी रही अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच बीते 3 सालों से विवाद जारी है, और इसे मुद्दा बनाकर आरा के रहने वाले एक भोजपुरी गायक कमल सिंह द्वारा अश्लीलता से भरा गाना रिलीज किया गया था, जिसमें अक्षरा को लेकर गंदे लफ्ज का प्रयोग किया गया था, जिसे लेकर अब अभिनेत्री ने कंकड़बाग पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गायक नीलकमल सिंह और उनके साथियों के खिलाफ IPC एक्ट के 354A, 501 और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कंकड़बाग थाने की पुलिस ने आरा पुलिस से भी संपर्क किया है, जिसके बाद छानबीन जारी है। इस मामले में एक्ट्रेस ने अश्लील गाने का लिंक भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और लिखा था कि बहुत बहुत धन्यवाद इन शब्दों के लिए, माँ बेटी बहन और नारी शक्ति के लिए, आपके दिल से जो शब्द निकले हैं उसके लिए आपका आभार, भोजपुरिया समाज का आपने जो मान बढ़ाया है उसके लिए आपके चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ। बिहार में अब डॉक्टर पति पत्नी को आसपास मिल सकती है पोस्टिंग। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के ट्रांसफर के लिए आवेदन लेने शुरू किए हैं, मगर इसके साथ एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका फायदा वैसे दंपतियों को खासकर होने वाला है जिसमें पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर हैं। इसके तहत ऐसे डॉक्टर दंपति अब अपने जिले या फिर आसपास के जिलों में अपनी पोस्टिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके बाद मिले आवेदनों के आधार पर विभाग इस बात का प्रयास करेगा कि पति पत्नी दोनों को या तो एक ही जिले या फिर आसपास के जिलों में पोस्टिंग मिल जाए। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में पोस्टिंग वरीयता, विकल्प, रिक्ति और कार्यहित जैसे बिंदुओं का ध्यान रखकर किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए बुधवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और 18 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए डॉक्टर से आवेदन कर सकते हैं। कोरोना से पति को खोने के बाद डिप्रेशन में महिला ने लगाई फांसी। कोरोना वायरस बीमारी लोगों के लिए जानलेवा तो बनाई है, मगर इसका दूसरा असर लोगों में डिप्रेशन के तौर पर भी दिखाई देता है। बिहार के समस्तीपुर जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां नगरगामा पंचायत के युवा और चर्चित मुखिया मंजीत कुमार के पिछले महीने कोरोना से जान चली गई थी, जिसके बाद से ही उनकी पत्नी 31 वर्षीय रीता देवी सदमे में थी, जिसके बाद बीते दिन बुधवार की दोपहर उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पति के साथ साथ अपने ससुर को भी कोरोना की वजह से खो दिया था। मृतका रीता देवी सहरसा में सिपाही के पद पर पोस्टेड थी और फिलहाल मातृत्व अवकाश पर समस्तीपुर में थी। बताते चले कि महिला का 1.5 महीने का एक नवजात और 3 साल का एक पुत्र भी था।
बिहार में डगमारा जल विद्युत परियोजना के लिए केंद्र सरकार से हुआ करार। उत्तर बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट डगमारा जल विद्युत परियोजना लगभग 5 दशकों के बाद धरातल पर दिखने वाला है। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार और राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए राज्य जल विद्युत निगम व नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के बीच 40 वर्षों के लिए करार किया गया है। इस संबंध में ऊर्जा सचिव संजीव हंस ने बताया कि जल्द ही परियोजना से जुड़ी गतिविधियां प्रारंभ होगी। वहीं डगमारा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण से 130 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसके साथ साथ परियोजना के आसपास में ही फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, मत्स्य पालन एवं अन्य गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया जाएगा, जो कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि यह परियोजना रन ऑफ रिवर के अंतर्गत सुपौल जिले में कोशी बराज से लगभग 31 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कोसी नदी पर भपतियाही ब्लॉक में बनाया जाना है। इसकी कुल क्षमता 130 मेगावाट है, जिसमें 7.65 मेगावाट के 17 यूनिट की स्थापना होगी। इसके साथ ही इस परियोजना में कंक्रीट बराज, अर्थन डैम एवं पावर हाउस का भी निर्माण किया जाना है। राज्य के 38 जिलों में से 31 जिले में 50 से कम मिले कोरोना के मरीज। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसके साथ ही रोज मिलने वाले एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटती जा रही है। आलम यह है कि सूबे के 38 जिलों में से 31 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के 50 से कम मरीज ताजा रिपोर्ट में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1,09,319 सैंपलों की जांच हुई थी, जिसमें से 1,158 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं सिर्फ पटना जिले में 100 से अधिक कोविड पेशेंट मिले, जिसके तहत 126 नए मरीज पटना से मिले, जबकि 6 जिलों में 50 से 90 के बीच पॉजिटिव मरीज पाए गए। बाकी के 31 जिले में 50 से कम ही मरीज संक्रमित हुए हैं। इनमें से अरवल में 3, औरंगाबाद में 8, बांका में 5, बेगूसराय में 35, भागलपुर में 21, भोजपुर और बक्सर में 3-3, दरभंगा में 29, पूर्वी चंपारण में 46, गया में 21, गोपालगंज में 39, जमुई में 2, कटिहार में 19, खगड़िया में 21, किशनगंज में 41, लखीसराय में 14 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं मधेपुरा में 28, मधुबनी में 17, नालंदा में 33, नवादा में 10, रोहतास में 11, सहरसा में 29, समस्तीपुर में 34, शेखपुरा में 5, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 26, सीवान में 23, वैशाली में 28 और पश्चिमी चंपारण में 19 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मास्क वितरण के लिए स्थानीय बाजारों से मास्क नहीं खरीदने का जारी हुआ आदेश। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अब जो मास्क लोगों के बीच बांटा जाएगा उसे जीविका संपोषित ग्राम संगठनों, संकुल संघ या फिर खादी भंडार से ही खरीदा जाएगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत मास्क को स्थानीय बाजार से खरीदने को नहीं कहा गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जारी आदेश में कहा है कि कई पंचायतों में स्थानीय बाजार से मास्क खरीदे जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। मास्क की खरीदारी जीविका संपोषित ग्राम संगठनों, संकुल संघ या फिर खादी भंडार से किया जाना है। वहीं अगर इन संगठनों से जरूरत के मुताबिक मास्क की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो ही स्थानीय स्तर पर इसे तैयार किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने सभी जिले के डीएम को पत्र भी भेजा है, जो कि इस आदेश का निरीक्षण करेंगे। यह आदेश कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनाने के लिए जारी किया गया है। बंगाल चुनाव के बाद से ही जारी हिंसा को रोकने के लिए बिहार के राज्यपाल को लिखा गया पत्र। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद और ममता सरकार बनने के बाद से ही जारी हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। वहां से हर रोज हत्या, बलात्कार, मारपीट जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए बिहार के कई बुद्धिजीवियों ने एकजुट होकर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को इस मामले में एक पत्र लिखा है और मामले में दखल देने को कहा है। पत्र में 13 बिंदुओं का जिक्र कर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके तहत लोगों ने राज्यपाल से हस्तक्षेप करते हुए हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने और उन्हें रोकने के लिए संभव संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करने की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ितों को पर्याप्त सुरक्षा और मुआवजा देने की भी मांग की गई है। लोगों ने राज्यपाल फागू चौहान से इनकी चिंताओं को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का भी अनुरोध किया है। बता दें कि पत्र लिखने वालों में जस्टिस राजेंद्र प्रसाद, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और पूर्व आईएएस शोभ नारायण, संजय उपाध्याय, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी, डॉक्टर सजानंद कुमार, पद्मश्री डॉक्टर आरएन सिंह, पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनिल सुलभ, संजीव राय, पूर्व डीजीपी डीएन गौतम, पूर्व डीजीपी एसके भारद्वाज, भूतपूर्व कुलपति विनोद कुमार, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जैसे लोग शामिल है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने शाहनवाज हुसैन को बताया देशभक्त। हाल ही में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय इकाई ने बिहार के अररिया के बीजेपी नेता मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी को मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण को दिए एक इंटरव्यू में शाहनवाज हुसैन को असली देशभक्त बताया है। कासमी ने बातचीत में बताया कि 24 साल पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी और वे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के कहने पर व पार्टी की कार्यशैली को देखते हुए भाजपा में आए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा में काम करने वाले ही पार्टी के शीर्ष पदों पर जाते हैं, जिसका ताजा उदाहरण सभी के सामने है। वहीं बिहार में AIMIM के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए मुसलमानों को ओबैसी से बचने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि AIMIM सबसे घातक पार्टी है, इसके नेता असदुद्दीन ओबैसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वे तोड़ने की राजनीति करते हैं। गर्ल ज्योति से वर्चुअल मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी।
बिहार की साहसी बेटी व देश भर में साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से वर्चुअल मुलाकात करेंगी। इसके साथ प्रियंका गांधी से ज्योति पासवान की बात कराने के लिए कांग्रेस नेता मशकूर अहमद उस्मानी ज्योति पासवान तथा उनके परिवार से मिलने उनके गांव सिरहुल्ली कमतौल जाकर वीडियो कॉल के जरिए बात कराएंगे। आपको बताते चले कि हाल ही में ज्योति के पिता की मौत 3 दिन पहले ही हार्ट अटैक के कारण हो गई। इससे पहले बीते महीने ही ज्योति ने अपने चाचा को भी खो दिया, इस कारण वह काफी सदमे में है। बताते चले कि पिछले साल हुए लॉकडाउन में ज्योति अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर 1300 किलोमीटर की यात्रा कर गुड़गांव से दरभंगा तक की यात्रा की थी और इस 8 दिन का सफर तय करके वह सुर्खियों में आई थी। उनके इस साहस भरे कदम के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ज्योति की तारीफ की थी। जीतनराम मांझी ने छात्राओं को मुफ्त में उच्च शिक्षा देने की उठाई मांग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी इन दिनों ट्विटर पर विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। अब उन्होंने बिहार में छात्राओं के लिए मुफ्त में उच्च शिक्षा देने की मांग ट्वीट के जरिए उठाई है। दरअसल एक दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी कि बिहार के तमाम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% आरक्षण लड़कियों के लिए सुनिश्चित किया गया है, लेकिन मांझी इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं दिखे। हालांकि एक ट्वीट करते हुए सीएम नीतीश के इस फैसले को लेकर उन्होंने धन्यवाद किया, लेकिन इस फैसले को नाकाफी बताते हुए एक नई मांग उन्होंने रख दी। उन्होंने कहा कि आरक्षण का फैसला सही है, लेकिन इसमें और सुधार किया जाना चाहिए। मांझी ने ट्वीट में लिखा कि सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में लगे छात्राओं को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि गरीब परिवार की बेटियां भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी लड़कियों की उच्च शिक्षा मुफ्त करने की बात कही थी, जिसे सरकार को लागू करना चाहिए। लालू के करीबी राजद सांसद को ईडी ने किया गिरफ्तार। आरजेडी से राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने फर्टिलाइजर घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके से हुई है। आपको बताते चले कि राजद ने साल 2020 में अमरेंद्र धारी सिंह के नाम का ऐलान राज्यसभा के प्रत्याशी के रूप में किया था, जबकि कई आरजेडी नेता इससे पहले इन्हें जानते तक नहीं थे। जिसके बाद आरजेडी के जगदानंद सिंह ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरेंद्र धारी सिंह के बारे में बताया था कि वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही आरजेडी से भी जुड़े हुए हैं। बता दें कि अमरेंद्र धारी सिंह पटना के विक्रम के रहने वाले हैं और एक बड़े व्यवसायी और जमींदार हैं। पाटलिपुत्र कॉलोनी में बड़ा आलिशान घर के साथ ही पालीगंज के ऐखन गांव में 1000 बीघा जमीन भी उनके पास है। वहीं उनका रियल एस्टेट समेत 13 देशों में फर्टिलाइजर और केमिकल के इम्पोर्ट का बिजनेस है। उन्हें अहमद पटेल के काफी करीबी भी माना जाता है। हालांकि पुलिस ईडी की टीम जांच में जुटी है। विराट की सेना को WTC फाइनल मुकाबले के लिए नहीं है कोई प्रेशर। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम ने आज सुबह ही उड़ान भर दी है, जहां वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ेंगी। इससे पहले बीते दिन टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें कोहली ने कहा कि उन्हें WTC फाइनल का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल के लिए अपनी टीम की सीमित तैयारी से चिंतित नहीं हूं। अतीत में इंग्लैंड में खेलने का अनुभव है और हालात की समझ भी है, इसलिए हमारी टीम शानदार प्रदर्शन करेगी। बता दें कि भारत इस फाइनल मुकाबले में 18 जून से साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। देश भर में थमने लगी है कोरोना की रफ्तार। देश भर में कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है और 2 लाख से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,34,154 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 2,887 मरीजों की जांच चली गई है। वहीं इस दौरान 2,11,499 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केस 17,13,413 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में 1,158 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान कुल 2,772 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 12,590 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 97.48% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार को सभी छात्राओं के लिए मुफ्त में उच्च शिक्षा की व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।